टुडेज ट्रेड यानी एक शेयर हम आपको बताते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्राडे के लिहाज से फोकस करना होता है। टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों के बेसिस पर स्टॉक का चुनाव होता है। कोई भी पोजीशन आप बनाएं अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। बताइए वीरेन, कौन सा स्टॉक है आज का? या आज देखिए एक जाने माना स्टॉक और अच्छा स्टॉक है SREI Infra, आज ने पिक किया है एज टुडेज ट्रेड। एक टेक्निकल और फंडामेंटल कॉल है। जरा पहले एक बार इसके जरा आप देखिए चार्ट्स, ईयरली चार्ट्स, हर डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। आप देखिए आपके स्क्रीन पर ऑलमोस्ट 2016 की शुरुआत की इसने 70 से, फिर रिट्रेस हुआ 45 पे, फिर गया 65, फिर रिट्रेस हुआ 50 और अब आपकी स्क्रीन पर 57-90। बाय ऑन डिप्स, और बाय ऑन डिप्स पे अगर आप देखें महीने दर महीने 15 दिन में 20 दिन में एक बार आता है, मौका मिलता है अच्छा एंट्री करने का। शुक्रवार को सभी अहम मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद हुआ, अच्छे खासे वॉल्यूम्स। देखिए वॉल्यूम्स इसके पिछले चार दिन से ना पिकअप कर रहे हैं एंड सडनली शुक्रवार को इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग स्पाइक भी मिला। सर जैसे कि मैंने कहा सारे एवरेजेस के ऊपर 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा सबके ऊपर भी है, लेकिन दो चीज़ मिलाना चाहूँगा यहाँ पर। डेली चार्ट पे काफ़ी अच्छा है लेकिन आरडी चार्ट पे ज़्यादा अच्छा है। यानी आरडी चार्ट पे, यानी अगर आप देखें शॉर्ट टर्म ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से ये चार्ट ज़्यादा डिसेंट लग रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेड अगर आप देखें आपको करना है, पॉसिबिलिटी क्या है, आई थिंक 57-90 पे क्लोज हुआ है, 62 से 64 का जोन अचीवेबल लग रहा है बहुत शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से। यानी इंटरडे की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। टेक्निकली अगर आप देखें अच्छा है, और स्पेशली RSI मोमेंटम इंडिकेटर्स, ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर्स, उस पर आप जाके देखिए, जिसको मैं अभी शायद बहुत बारीकी से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन हर कसौटी पर देखिए इस वक्त काफ़ी बेहतरीन है। तो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है 66 की, लेकिन इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से लगभग 62 से लेकर 64 की ट्रेजेक्ट्री। अब आइए आप जरा इसके फंडामेंटल पहलुओं पर। फंडामेंटली अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या पॉसिबल है, देखिए फंडामेंटल पहली बात तो ये है, अगर आप मुनाफा देखें 52% बढ़कर लगभग 20 करोड़ रुपये रहा। Q4 में इनके डिसबर्समेंट्स थे उसमें ऑलमोस्ट 30% का YoY बेसिस पर उछाल रहा है। ब्याज आए अगर आप देखें इनकी इंटरेस्ट इनकम लगभग 20% बढ़कर करीब 211 करोड़ रुपये रही। यानी अगर आप हर पहलू पर देखें तो वो काफ़ी अच्छा मूव दिया। टेलीकॉम टावर कारोबार बेचने की योजना बना रहे हैं, वहाँ पर इनको अच्छे वैल्यूएशंस मिले तो वहाँ से निकलेगी कंपनी बाहर, और थोड़ा सा जो अपना कोर सेक्टर है ना इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, उस पर फोकस करने की कंपनी योजना बना रही है। ग्रुप कंपनियों के लिए इन्होंने एग्जैक्टली ये करीब करीब 1200 से 1300 करोड़ जुटाने की योजना बना रहे हैं ताकि ग्रुप कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएं। और भारत रोड नेटवर्क्स लिमिटेड इसका ये एक IPO लाने की तैयारी भी कर रहे हैं, और वहाँ पर करीब 25 से 30% हिस्सा डाइल्यूट करके ये एक अच्छा खासा अगर आप देखें हैंडसम मनी जो है वो रेज करना चाहते हैं। लगभग 29 से 30% अगर आप देखें हिस्सा डाइल्यूट करेंगे यहाँ पर, और 750 से लेकर 1200 करोड़ रुपये जुटाने की इनकी योजना है। तो मैं चाहे वो टेक्निकल फंडामेंटल प्रोस्पेक्टिव से देखूँ, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखूँ, मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखूँ, डेली चार्ट्स को देखूँ और Q4 अर्निंग्स को देखूँ, हर प्रोस्पेक्टिव से स्टॉक अच्छा लग रहा है। तो आज के प्रोस्पेक्टिव के लिए 62 से 63 रुपये का लक्ष्य लेके चलिए। स्टॉप लॉसेस अगर आपको कहीं रखने हैं तो आई थिंक 55-90 ये एक अच्छा रिसेंट स्टॉप लॉस हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मैंने पिक किया है हरी, इंफ्रास्ट्रक्चर ये शायद मैं एक दो स्टॉक्स को दिख रहा था अच्छे भी लग रहे थे, SREI Infra को मैंने पिक भी किया। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इस वक्त क्या बाय कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, इक्विपमेंट फाइनेंसिंग, इक्विपमेंट कंपनीज, इनमें से आपका आउटलुक कहाँ पॉजिटिव है इस वक्त? देखिए ब्रॉडली विद द इंफ्रा स्पेस हम दो आई वुड से सब सेक्टर्स पे काफ़ी पॉजिटिव है। पहला तो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है जहाँ पे एक काइंड ऑफ अश्योर्ड मार्केट है, तो फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव हम लोग श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे काफ़ी हद तक पॉजिटिव है, बिकॉज दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग ऑन इक्विपमेंट लीजिंग, क्वाइट स्ट्रॉन्ग ऑन ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। इनके NPS बीच में थोड़े आई थिंक ज़्यादा हो गए थे, बट आई थिंक दैट इज मोर लेस अंडर कंट्रोल। अभी फिलहाल उनकी रिस्ट्रक्चरिंग की बात चल रही है, पूरे पिरामल ग्रुप के नीचे आ रहे हैं, तो आई थिंक ये एक कंपनी जिस पर हमारा अटेंशन बना हुआ है। इसके अलावा दूसरा है रोड सेक्टर, और रोड्स में खास करके आई थिंक IRB इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नज़र बना हुआ है, क्योंकि अभी जो गडकरी साहब बात कर रहे हैं कि वी विल टेक अप द डेली रोड शो अबाउट 41 किलोमीटर्स पर डे, इससे एक बहुत बड़ा ऑर्डर स्पर्ट ये सारे रोड कंपनीज को मिलेगा, और हमको लगता है कि IRB इंफ्रास्ट्रक्चर करंट लेवल्स पे विद देयर प्रॉफिट विजिबिलिटी हमको काफी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। यूको बैंक पर खबर है, क्रिसल ने टीयर 2 बॉन्ड की रेटिंग घटाई है और टीयर 2 बॉन्ड की रेटिंग AA- की है, तो नेगेटिव खबर यूको बैंक के लिए। जेपी पावर पर भी खबर है, शेयरधारकों से 1000 करोड़ जुटाने की मंजूरी मांगी है, एमिलिया कोल माइन में हिस्सा बेचने की भी योजना है, नायग्री पावर सीमेंट यूनिट में हिस्सा बिक्री की योजना है। जेपी पावर पर खबर है, हेडसन एग्रो पर भी न्यूज फ्लो है कि बोर्ड ने 5 शेयर पर 2 शेयर के बोनस को मंजूरी दी है, और एक स्टॉक और देख लीजिए वो है SDL का, सिक्योरिटीज के जरिए $35 करोड़ जुटाने की योजना है, और प्रमोटर को 150 करोड़ के कन्वर्टेबल
वारंट जारी करेंगे। एचडीएल हालांकि थोड़ा सॉफ्ट हुआ था प्रीवियस सेशन में एक स्ट्रॉन्ग मे सीरीज की परफॉर्मेंस के बाद, लेकिन बहुत सारे ऐसे रियल एस्टेट स्टॉक्स थे जो कि जोरदार तेजी दिखा रहे थे शुक्रवार के सत्र में। प्रेस्टीज एस्टेट, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये कुछ स्ट्रॉन्ग मूवर्स रहे थे। कमेंट लेंगे रियल एस्टेट स्टॉक्स पर, लेकिन सीधे चलते हैं संदीप के पास और बात कर लेते हैं उन कंपनियों के जिनके नतीजे शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आए या फिर ओवर वीकेंड आए, कुछ छोटी मझोली कंपनियां। बताइए संदीप, कौन से स्टॉक्स हैं? शुक्रिया दीपाली, कुछ कंपनी के नंबर्स अच्छे आए हैं, उसमें सबसे पहले डायनामेटिक टेक एक मिड कैप छोटी मझोली आईटी कंपनी है, इसके नंबर्स आपके सामने रखना चाहूंगा। रेवेन्यूज अगर आप देखें क्वार्टर क्वार्टर 7% के आसपास की बढ़त आई है, लेकिन जिस तरह से इनकी लागत में कमी आई है, अन्य खर्च घटे, वही कारण है इनके एबिटडा में करीब 75% के आसपास की बढ़त आई। और मार्जिन देखिए 5% का इजाफा हुआ, 8.5% से बढ़कर 13.5% रहे हैं, और जिस तरह से मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, रेवेन्यू ग्रो के हैं, मुनाफे का फिगर देखिए 7.5 गुना के आसपास की बढ़त यहाँ देखने को मिली है, 2.5 करोड़ के मुकाबले 19.2 करोड़ रुपये के आसपास का मुनाफा दर्ज किया है। पिछली तिमाही में अगर आप देखिए करीब 2.25 करोड़ रुपये के आसपास का टैक्स रिवर्सल था, इस बार 5 करोड़ रुपये के आसपास का टैक्स इस कंपनी ने पोस्ट किया है, उसके बावजूद भी देखिए नंबर्स बॉटम लाइन के फ्रंट पे काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं। कल्पतरु पावर एक और ऐसी कंपनी जिसके नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यूज में करीब 29% के आसपास की बढ़त आई है, इनके वेतन खर्च में इस बार सरप्राइजिंगली कमी देखने को मिली है, एबिटडा फ्रंट पे 37.5% के आसपास की बढ़त आई है, मार्जिन में करीब 5% के आसपास का इजाफा है, 10% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली, और फाइनेंस कॉस्ट में जिस तरह से ईयर ऑन ईयर कमी आई है उसका इंपैक्ट मार्जिन तो इंप्रूव हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ब्याज लागत घटने से मुनाफे में अगर आप देखिए करीब 80% के आसपास की बढ़त आई है, 72 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर इसने मुनाफे के फ्रंट पे पोस्ट किए हैं। एक और कंपनी इसके नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आए वो है एलगी इक्विपमेंट का, सेल्स अगर आप देखिए 17% के आसपास की बढ़त यहाँ आई है, लेकिन इन्वेंट्री घाटे में कमी हुई है, मार्जिन देखिए अन्य खर्च में कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से देखिए एबिटडा में डबलिंग देखने को मिली है, 112% के आसपास की बढ़त आई है, मार्जिन में देखिए 5% से ज्यादा का इजाफा आया है, 6.5% से बढ़कर 11.8% के आसपास के नंबर्स आए हैं, यही कारण है कि मुनाफे के फ्रंट पे 6 गुना के आसपास की बढ़त आई है, और इसमें ब्याज लागत में जो कमी आई है उसका इंपैक्ट भी देखने को मिला है, ईयर ऑन ईयर तो 6 गुना के आसपास की बढ़त आई है, लेकिन आप क्वार्टर क्वार्टर भी देखिए 2 गुना से ज्यादा की बढ़त मुनाफे में देखने को मिली है, तो दोनों फ्रंट पे चाहे ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें चाहे क्वार्टर क्वार्टर नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग बॉटम लाइन के फ्रंट पे देखने को मिले। और आखिर में एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है प्रीकॉल, इसके नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं, ईयर ऑन ईयर इनकी सेल्स में करीब 50% के आसपास का इजाफा है, एबिटडा फ्रंट पे टर्न अराउंड है, साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी में 2.5 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा था, 22 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स आए, इनफैक्ट क्वार्टर क्वार्टर भी अगर आप कंपेयर करें नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, एक तो इन्वेंट्री घाटे से ये कंपनी मुनाफे में आई है, अन्य आय बढ़ी है उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला, लेकिन साथ ही साथ फाइनेंस कॉस्ट में कमी आई है उसका फायदा भी बॉटम लाइन के फ्रंट पे आया, जिसकी वजह से नंबर्स में एक टर्न अराउंड देखने को मिला है। शुक्रिया आपका संदीप। तो ये कुछ अर्निंग्स और जिनका असर आज इन स्टॉक्स पर देखा जा सकता है। प्रिकॉल एलगी इक्विपमेंट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है। जय, जिन भी 3-4 स्टॉक्स का जिक्र किया संदीप ने, सभी की अच्छे नतीजों की बात की गई है, कोई पिक करना चाहेंगे आप इंटरनेट ट्रेड के पर्सपेक्टिव से इनमें से कोई भी शेयर? डेफिनेटली सी दीपाली, एलजी इक्विपमेंट जो है, एलजी में मुझे काफ़ी एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने मिला है, ये स्टॉक में करीबन ऑन द लोअर साइड एक 155 का जो लेवल है बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रूव हुआ है। आई थिंक यू नो जब तक 155 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते ऑन दी अपसाइड, मिनिमम टारगेट इमीडिएट बेसिस पर जो बनकर आ रहा है एलजी के लिए दैट कम्स टू अराउंड 190, तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, तो 190 के लिए बाय करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 155। ये स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है जो भी स्टॉक डिस्कस किया उनमें से सबसे बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड फेवर कर रहा है।